एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसके एक ही बेटा था, पर वो अपने बेटे से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बेटे का नाम नटवर था और उसका बेटा बहुत ही बेवकूफ सा था, और कोई अकल का काम करना तो दूर, कुछ और भी नहीं करता धरता था। पर उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती थी। वह नटवर के लिए अच्छा ही अच्छा सोचती, और अगर कोई वो गलती कर भी देता तो उसकी गलती को छिपाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। उसकी माँ ने सेठ जी से कहा कि बेटा अब बड़ा हो गया है, सो इसकी शादी किसी अच्छी सी लड़की से करवा दीजिए। पर सेठ अपने बेटे की बेवकूफियों पर इतना शर्मिंदा था कि उसने मन ही मन में ये फैसला कर लिया था कि उसकी शादी कभी नहीं करेगा। उधर उसकी माँ उसकी शादी को लेकर बहुत चिंता करती थी। वह तो बहुत दिनों से उसकी शादी का सपना देख रही थी कि मेरा बेटा बड़ा होगा और कब मैं इसकी शादी करूंगी। वह सारी उम्र कुवारा बैठा रहे यह तो वह सोच भी नहीं सकती थी, और ना ही वो इसके लिए तैयार थी। सो नटवर की शादी के लिए उसने बहुत ही कोशिशें की। उसने सेठ जी को नटवर की अकलमंदी के कई लक्षण बताए और कई अकलमंदी के काम बताए ताकि उसका पति नटवर की शादी करवा दे। ये सब बातें सुनकर सेठ जी शादी की बजाय उससे और भी ज़्यादा चिढ़ जाते थे। जब एक दिन सेठ जी की पत्नी ने अपने बेटे की तारीफ की तो सेठ जी चिड़चिड़ाकर बोले, देखो तुम मुझसे यह सब कितनी बार कह चुकी हो, पर तुमने इसे मुझे कभी साबित करके नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। माएँ तो अपने बच्चों के प्यार में अंधी ही होती हैं। खैर, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं उस बेवकूफ को एक मौका जरूर दूंगा। तुम उसको बुलाओ और उसको ये 3 पैसे दे दो। उससे कहो कि वो बाजार जाए और इसमें से 1 पैसे से कोई ऐसी चीज खरीद कर लाए जो उसके अपने लिए हो। दूसरा पैसा वह नदी में फेंक दे, और तीसरे पैसे से वो ये 5 चीजें खरीदे, कुछ खाने के लिए, कुछ चबाने के लिए, कुछ बगीचे में बोने के लिए, और कुछ गाय को खिलाने के लिए। माँ को सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि अब कम से कम उसके बेटे को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका तो मिल गया। सो तुरंत ही उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे 3 पैसे देते हुए पिता की समझाई हुई सारी बात बता दी। नटवर ने उससे पैसे ले लिए और बाजार की तरफ चल दिया। बाजार जाकर उसने 1 पैसे का कुछ अपने लिए खरीदा और खा लिया। उसके बाद वह एक नदी के पास आया और दूसरा पैसा नदी में फेंकने ही वाला था कि उसको अपनी बेवकूफ़ी समझ में आ गई और वह रुक गया। वो सोचने लगा, इसको नदी में फेंकने से भला क्या होगा, अगर 1 पैसे को नदी में फेंक देता हूँ तो मेरे पास केवल 1 ही पैसा बचेगा, और फिर इस 1 पैसे से ऐसा क्या खरीद सकूँगा जो खाने को भी हो, पीने को भी हो, चबाने वाला भी हो, बगीचे में बोने वाला भी हो, और साथ ही साथ गाय के खाने वाला भी हो, जैसा कि उसकी माँ ने उसे कहा था। और अगर मैं इसे नदी में नहीं फेंकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने माँ का कहना नहीं माना। वह अभी इसी सोच में पड़ा था कि किस्मत से उसी समय वहाँ से एक लोहार की बेटी जा रही थी। उसने देखा कि नदी किनारे एक लड़का उदास खड़ा है। उसने नटवर को वहां खड़े देखकर उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। नटवर ने उस लड़की को सारी बात बता दी जो उसकी माँ ने उसे समझाई थी। फिर नटवर ने उससे कहा कि मेरी माँ ने 3रा पैसा नदी में फेंकने के लिए कहा था, परंतु यह तो बेवकूफ़ी है। वो लड़की बहुत ही होशियार थी। वो बोली, मैं तुमको बताती हूँ कि तुम क्या खरीदो। तुम जाकर 1 पैसे का तरबूज खरीद लो और 3रा पैसा अपनी जेब में रख लो, उसको तुम नदी में मत फेंको। तरबूज? हाँ तरबूज। वह आगे बोली, देखो तरबूज तुम्हारी माँ की सब शर्तों को पूरा करेगा। वह खाने की चीज़ भी है और पीने की चीज़ भी है, वह चबाने के लिए भी है और ज़मीन में बोने के लिए भी है, और वह गाय के खाने के लिए भी कुछ ना कुछ देगा। तुम जाकर 1 तरबूज खरीद लो और अपनी माँ को दे देना, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी। नटवर ने ऐसा ही किया। जब उसकी माँ ने अपने बेटे की अकलमंदी देखी तो वह बहुत ही खुश हो गई। उसको लगा कि उसका बेटा नटवर सचमुच में बहुत ही अकलमंद है।
वह तुरंत ही उसे अपने पति के पास लेकर गई और उसको तरबूज दिखाकर बोली, देखो मेरे बेटे ने ये काम कर दिया है। तरबूज देखकर सेठ जी भी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये काम उसने खुद किया है, उसे तो अकल है नहीं, जरूर किसी ने उसको सलाह दी होगी। फिर सेठ जी ने अपने बेटे नटवर की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हें यह करने के लिए किसने कहा? नटवर बोला, एक लोहार की बेटी मुझे मिली थी, उसी ने यह सलाह दी थी। मुझे मालूम था कि इस बेवकूफ को इतनी अकल है ही नहीं और उस लोहार की बेटी ने ही इसकी सहायता की है। मैं तो कहता हूँ उस लोहार की बेटी से ही इसकी शादी करवा देते हैं। माँ बोली, इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। अगले कुछ दिनों में सेठ जी लोहार के घर गए और उसकी लड़की को देख कर आए। सेठ जी ने अपने बेटे का रिश्ता लोहार की बेटी के साथ कर दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि इतने धनवान सेठ का बेटा एक लोहार की बेटी को ब्याहने जा रहा है। उसी गांव के कुछ लड़के जो इस बात से बहुत ही नाराज थे, उन्होंने योजना बनाई कि किस तरह से इस शादी को तोड़ा जाए। गांव के कुछ लड़के सेठ के बेवकूफ लड़के के पास गए और उससे कहने लगे कि तुम अपनी पत्नी को पहली रात को ही इतनी बुरी तरह से पीटना कि वो तुम्हें आगे से तंग ना करे और तुमसे डर कर रहे, तुम्हारा कहना माने। वो बेवकूफ लड़का इस बात पर राजी हो गया और उस बेवकूफ ने लोहार को जाकर ये सारी बात बता दी। लोहार ये सुनकर बहुत ही परेशान हो गया। उसने अपनी बेटी को बताया कि सेठ का बेटा उसकी पिटाई करेगा, तो बेटी ने कहा, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं उसको संभाल लूंगी और उसको एक सही इंसान बनाकर ही रहूंगी। फिर जिस दिन शादी तय हुई थी उस दिन धूमधाम से शादी हो गई। शादी की पहली ही रात को दुल्हन जब सो रही थी तो नटवर ने जूता उठाया और उसको मारने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने आंखें खोल दी और बोली, ऐसा मत कीजिए, आज शादी का पहला दिन है, इस दिन झगड़ा करना अपशकुन होता है, आप चाहें तो कल मुझे मार लेना। नटवर उसकी बात मान गया। अगली रात को भी नटवर ने दुल्हन को मारने के लिए अपना जूता उठाया तो फिर से दुल्हन ने कहा, अगर पति पत्नी शादी के पहले हफ्ते में ही एक दूसरे का अपमान करेंगे तो यह बहुत बड़ा अपशकुन होगा। मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत ही अकलमंद आदमी हैं, आप कम से कम मुझे 8 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो जितना मुझे मार लेना। उस परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार 8वें दिन लड़की अपने पिता के घर चली गई। जब नटवर के दोस्तों को ये सब मालूम हुआ तो वो नटवर का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, तुम कितने बेवकूफ हो, हमें तो मालूम था कि ऐसा ही होगा। इसी बीच सेठ की पत्नी अपने बेटे के आगे के जीवन के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि अब समय आ गया है कि जब उसके बेटे को आजादी से रहना चाहिए। सो उसने अपने पति से कहा, तुम नटवर को कुछ सामान दे दो और बेचने के लिए उसे बाहर भेज दो। सेठ ने कहा, कभी नहीं, उसके हाथ में कोई भी सामान देना ऐसा होगा जैसे पानी में फेंकना, वह सब कुछ बर्बाद करके आएगा। तब पत्नी ने कहा, अब जाने भी दो, उसको अकल इसी तरह से तो आएगी, उसको कुछ पैसे दो और दूर देश की यात्राओं पर भेज दो, अगर उससे वह कुछ पैसे कमाता है तो कम से कम हम उससे यह उम्मीद तो रख सकते हैं कि वह पैसे की कीमत समझेगा। सेठ को अपनी पत्नी की बात सही लगी और उसने अपने बेटे को अकेले व्यापार करने की आज्ञा दे दी। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसे कुछ पैसे दिए, कुछ सामान दिया और कुछ नौकर उसके साथ भेज दिए और उसे व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य की तरफ रवाना कर दिया। इस तरह नटवर अपने नौकरों के साथ व्यापार करने के लिए चल दिया। उनका कारवां बहुत दूर नहीं गया था कि वे सभी एक बहुत बड़े बागीचे के पास से गुजरे। उस बागीचे के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। नटवर ने अपने नौकर से कहा, यह कौन सी जगह है, इसके अंदर जाओ और देख कर आओ। उसके नौकर गए और वापिस आकर उसे बताया कि उस चार दीवारी के अंदर एक बहुत ही शानदार हवेली है। नटवर भी उस चार दीवारी में दाखिल हो गया और उस हवेली में पहुंच गया। हवेली के अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। वह लड़की असल में एक ठग थी
और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी जुआरी भी थी। उसको वो सभी चालें आती थीं जिनसे वह अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा ले लेती थी। उसकी सबसे प्रिय चाल ये थी कि जब वह खेलती थी तो एक काली बिल्ली को अपने साथ रखती थी। उस बिल्ली को उसने सिखा रखा था कि जब भी वह बिल्ली को इशारा करती थी तो बिल्ली लालटेन के पास जाकर उसे बुझाकर अंधेरा कर देती थी। ऐसा इशारा वह तब करती थी जब अक्सर वह हार रही होती थी, और इस तरह से वह अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा हड़प लेती थी। यही चाल उसने नटवर के साथ भी चली और उसका सारा पैसा जीत लिया। केवल उसका पैसा ही नहीं बल्कि उसका सारा सामान भी जीत लिया, उसके नौकर चाकर भी जीत लिए, और यहाँ तक कि नटवर खुद भी अपने आप को वहाँ पर जुए में हार गया। जब नटवर के पास कुछ ना बचा तो उस जुआरी लड़की ने नटवर को कैद कर लिया। नटवर के साथ कैद में और भी बहुत सारे लोग थे। उस तहखाने में एक आदमी जो नटवर के साथ था वो भी नटवर के ही राज्य का था, और कुछ ही दिनों में वो दूसरा कैदी रिहा होने वाला था, क्योंकि उसके घर के लोगों ने उस जुआरिन को एक मोटी रकम अदा करने का वादा किया था। अगले ही दिन वो दूसरा कैदी रिहा होने वाला था। तब नटवर ने उस कैदी को एक चिट्ठी दी और कहा कि ये चिट्ठी तुम मेरे पिता के पास पहुंचा देना। अब चूंकि वो कैदी भी नटवर के ही राज्य का था तो उसने वहां से छूटकर वो चिट्ठी नटवर के पिता के पास पहुंचा दी। नटवर के पिता सेठ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसे सारा मामला समझ में आ गया। उसने वो चिट्ठी अपनी बहू को दिखाई। बहू ने कहा, पिताजी मैं अपने पति को छुड़वा कर जरूर लाऊंगी, कृपया आप मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा दे दीजिए। ससुर को अपनी बेटी की समझदारी और बहादुरी पर पूरा विश्वास था, सो उन्होंने उसे आज्ञा दे दी और कुछ पैसे और सामान देकर उसको विदा किया। बहू भी अपने कारवां के साथ उस जगह पर पहुंच गई जहां पर वो जुआरी लड़की थी। बहू ने उस लड़की के पास खबर पहुंचा दी कि एक बहुत ही अमीर राजकुमारी उसके साथ जुआ खेलना चाहती है। वो जुआरी लड़की तुरंत राजी हो गई। शाम को उन दोनों को जुआ खेलना था। इसी बीच बहू ने उस जुआरी लड़की के नौकरों के साथ पूछताछ की कि उनकी मालकिन किस तरह से खेल जीतती है और कौन कौन सी चालें इस्तेमाल करती हैं। पहले तो नौकर उसको यह बताने से मना करने लगे, पर जब बहू ने उनको अशर्फियों का लालच दिया तो वो मान गए और सब कुछ बताने को तैयार हो गए। उन्होंने बताया कि शायद उनकी मालकिन कल उनको हराने के लिए उस रात भी बिल्ली वाली चाल खेलेंगी। यह सुनकर बहू वहां से चली गई और शाम को उस जुआरी लड़की के साथ जुआ खेलने के लिए पहुंच गई। असल में बहू ने अपनी साड़ी में एक चूहा छुपाकर रखा हुआ था। खेल शुरू हुआ। बहू भी बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी, इस वजह से वो जीतने लगी। यह सब देखकर नीच जुआरी लड़की ने अपनी बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली तुरंत लालटेन की तरफ लपकी। उसी समय बहू ने अपनी साड़ी में से चूहे को छोड़ दिया। छोड़ते ही चूहा दूर भाग गया और उसके पीछे पीछे बिल्ली भी भाग गई। कमरे की सारी चीजें इधर उधर गिर गईं। वो जुआरी लड़की कुछ परेशान सी लगने लगी। तब बहू बोली, क्या हम खेल आगे शुरू रखें? बस फिर क्या था, अब कोई बाधा नहीं थी। सो बहू बाजी जीत गई और फिर दूसरी बाजी जीती, तीसरी और चौथी बाजी भी वो जीतती ही चली गई। उसने ना केवल अपने पति के पैसे और सामान जीते बल्कि उस लड़की का पैसा, सामान, नौकर, उसका महल, सब कुछ जीत लिया। और इस तरह से बहू ने सारा सामान बड़े बड़े बक्सों में बंद किया और वहां पर बंद सारे कैदियों को छुड़वाया, जिनमें से उसका पति भी था। अपने पति को देखते ही बहू ने पति को पहचान लिया और उसे साथ लेकर अपने देश वापस रवाना हो गई। जब वह घर पहुंची तो उसके सास ससुर ने उसका बहुत ही भव्य स्वागत किया और वे खुश थे कि बहू उनके बेटे को लेकर सही सलामत वापस लौट आई। और अब उनके पास इतना धन भी था कि वो अपना आगे का जीवन बहुत ही आराम से बिता सकें। इसके बाद वे सब एक खुशहाल परिवार की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे।